गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ किसी भी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है BF3, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसके लिए हमको बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है, वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5, तो वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आपस में ये म्यूचुअल शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये आपके क्या बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बोरोन के पास 3 होते हैं और फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, लेकिन कितने चाहिए होते हैं, एक ही चाहिए होता है, तो ये इससे एक्वायर कर लेता है। और ये वाला फ्लोरीन जो है, ये वाला इससे एक्वायर कर लेता है और ये वाला फ्लोरीन जो है वो इससे एक्वायर कर लेता है। तो देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा, यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये आपका BF3 का स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है BF3 का। देखिए, अगर इसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई खाली इलेक्ट्रॉन बच जाता है इस तरह से, तो ये लोन पेयर होता है और जो बॉन्डेड होता है ये, और ये होता है बॉन्ड पेयर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ये नाइट्रोजन को देख लेते हैं, अमोनिया को देख लेते हैं। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेता है, यहाँ से हाइड्रोजन दूसरा एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और ये बच जाता है आपके पास लोन पेयर, क्योंकि इसको नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अमोनिया के केस में 3 ही हाइड्रोजन होता है, तो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेते हैं और ये दो जो है बच जाते हैं, तो ये आपका लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये आपका करना है। तो इस तरह से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर ज्योमेट्री, एक होती है इरेगुलर ज्योमेट्री। दोनों में अंतर क्या है, इसमें सारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, यानी कि इसमें सारे बॉन्डेड पेयर्स होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। यहाँ पे लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इरेगुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं, इरेगुलर ज्योमेट्री की बात। ठीक है, तो रेगुलर ज्योमेट्री की बात, तो रेगुलर ज्योमेट्री में हमारे पास लीनियर शेप के भी आते हैं कुछ, फिर आपके ट्रायगोनल प्लेनर के भी आते हैं, फिर आपके टेट्राहेड्रल के भी आते हैं। ठीक है, फिर आपके ट्रायगोनल बायपिरामिडल के भी आते हैं। ठीक है, और फिर आपका ऑक्टाहेड्रल के भी आते हैं। ये 6 आपकी शेप्स आती है इसमें, लीनियर, ट्रायगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये आपकी रेगुलर ज्योमेट्री में है। इसमें सारे के सारे बॉन्डेड पेयर होंगे, जैसे आपका BEF2 लीनियर के केस में, BEF2 बेरिलियम के पास 2 वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इधर एक इधर, फ्लोरिन के पास 7 होते हैं, तो आप इधर से ये शेयर करेगा और इधर से ये वाला फ्लोरिन शेयर करता है। ठीक है, तो इसकी बेरिलियम BEF2 की जो शेप बनती है वो लीनियर बनती है और इसमें बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें याद रखें कि यहाँ पे 2 बॉन्डेड एटम्स होते हैं या फिर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। उसके बाद ट्रायगोनल प्लेनर, जैसे हमने BF3 की बात करी, BF3 इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनता है BF3, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। तो BF3 में आपकी जो एंगल होती है, BF3 में आपकी जो एंगल होती है इस पोजीशन पे, वो 120 डिग्री होती है। तो ये याद रखें कि ट्रायगोनल प्लेनर में आपकी 120 डिग्री एंगल होगी। उसके बाद आती है आपकी टेट्राहेड्रल की शेप, CH4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इस तरह से, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन जो है इससे ले लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन को दो चीज़ होते हैं ना, ठीक है। एक उसके पास अपना होता ही है, ठीक है। तो यहाँ भी बॉन्ड पेयर बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड पेयर बनेगा, यहाँ भी बॉन्ड पेयर बनेगा और यहाँ भी बॉन्ड पेयर बनेगा। तो CH4 में आपका टेट्राहेड्रल शेप आता है और इस पोजीशन पे आपका 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो टेट्राहेड्रल में आपका 109.5 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात ट्रायगोनल बायपिरामिडल की। ट्रायगोनल बायपिरामिडल में आपको याद रखना है कि वहाँ पे 120 डिग्री का एंगल भी बनेगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ठीक है। एग्जांपल आएगा इसका SBF5, PF5 या फिर PCL5, ठीक है। इसमें भी अलग अलग एग्जांपल आएंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरह से बनेगा कुछ। मान लीजिए हमने PCL5 लिया, तो CL, तो ये आपका ट्रायगोनल शेप बन रही है और ये आपकी बायपिरामिडल शेप। तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा ये बीच में, ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल में SBF5, PF5 और PCL5 आता है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप में SF6 और TEF6 आता है, ठीक है। शेप बनाएंगे S फ्लोरिन, ठीक है, फ्लोरिन और फ्लोरिन। तो इस तरह से ये बनता है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। तो ये आपकी रेगुलर ज्योमेट्री थी। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे, नो लोन पेयर्स। लीनियर शेप में आप BEF2 के साथ BECL2 भी डाल सकते हैं, MGF2 भी डाल सकते हैं और MGCL2 भी डाल सकते हैं। BF3 के साथ BCL3 भी डाल सकते हैं, ALF3 भी डाल सकते हैं और आप ALCL3 भी डाल सकते हैं। CH4 के साथ CCL4, ठीक है, SIH4 और SICL4 डाल सकते हैं, ठीक है। PF5 ट्रायगोनल बायपिरामिडल में आपके पास SBF5, PF5, PCL5 और ऑक्टाहेड्रल में SF6, TEF6 आपका इंक्लूड होगा। तो आपको इरेगुलर ज्योमेट्री, जो रेगुलर ज्योमेट्री के ये अलग से कंपाउंड है, इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं, आपके लिए होमवर्क है। और मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मेरी फेसबुक की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कल हम करेंगे इसकी रेगुलर ज्योमेट्री, इरेगुलर जिसमें लोन पेयर भी आते हैं, साथ ही साथ हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे कि क्या होती है। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री आपको करनी है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।